कहानियाँ, रोमांच और रहस्य, वहाँ नीचे आबादी से बहुत दूर ग्रामीण इलाके में एक पति पत्नी अपने बहुत ही पुराने से घर में रहते थे। घर के आसपास उनके खेत थे। पति बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का था और हर समय अपनी पत्नी को दुखी करके उसको आनंद प्राप्त होता था। वो बहुत कम ही अपनी पत्नी से बोलता था, परंतु जब वो कुछ कहने की कोशिश करती थी तो वो उसको डांट कर चुप करा देता था। एक दिन वो आदमी अपने खेत में एक कुआं खोद रहा था और उसकी पत्नी उसकी मदद कर रही थी। अचानक ही उस खोदे जा रहे कुएं की नीचे की जमीन अंदर धंस गई और एक बहुत ही गहरा सा सुराख दिखने लगा। उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को एक टॉर्च लाने को कहा ताकि वो उस सुराख के अंदर देख सके। उसकी पत्नी दौड़कर अपने घर से टॉर्च लेने के लिए गई और कुछ ही मिनटों में वो एक बड़ी सी टॉर्च लेकर वापस आ गई। उसने उस जलती हुई टॉर्च को एक रस्सी से बांधकर उस सुराख में नीचे करना शुरू कर दिया ताकि सुराख के अंदर प्रकाश हो सके। वो टॉर्च तो नीचे जाती ही गई और वो पति रस्सी छोड़ता ही गया, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उस सुराख का कोई अंत ही नहीं था। उस आदमी ने रस्सी को ऊपर खींचने की कोशिश की, पर उसको लगा कि वो रस्सी किसी चीज़ में फंस गई थी। उसने जोर लगाना शुरू किया पर उसको लगा कि कोई रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहा था। आखिर उस आदमी ने पूरा जोर लगाकर उस रस्सी और टॉर्च को ऊपर खींच ही लिया। उसने देखा कि टॉर्च की जगह उस रस्सी के सिरे से एक छोटा सा थैला बंधा था। उसने कांपते हुए हाथों से उस थैले को खोला तो देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा था और साथ में ही हाथ से लिखी हुई एक छोटी सी चिट्ठी थी। वो किसी अनजान भाषा में थी। वो उसको पढ़ नहीं सका। उसने चिट्ठी को एक तरफ फेंक दिया। उसने सोने का टुकड़ा ले लिया और अपनी पत्नी को बोला कि वो और टॉर्च खरीदने के लिए शहर जा रहा था। उसने कहा तुम इस सुराख पर नज़र रखना। पति के जाते ही वो पत्नी घर में गई और एक पुराना सा शब्दकोश ले आई और पति के द्वारा फेंके गए कागज के टुकड़े पर लिखी हुई इबारत को शब्दकोश की मदद से पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद वह रसोई में गई और मीट का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अपने साथ ले आई। उसने भी एक कागज पर कुछ लिखकर उस कागज को मीट के टुकड़े को एक बाल्टी में रखकर रस्सी से बांधकर नीचे उस सुराख में भेज दिया। कुछ देर के बाद जब पत्नी ने रस्सी को ऊपर खींचा तो उसने पाया कि इस बार बाल्टी बहुत भारी लग रही थी। जैसे ही वह बाल्टी ऊपर आई उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस बाल्टी में हीरे मोती भरे हुए थे। साथ में इस बार अंग्रेजी में लिखा हुआ था और खाना भेजो। वो बाल्टी लेकर तुरंत घर में गई और उन हीरे मोतियों को एक ऐसी जगह छुपा दिया जहाँ उसका पति उनको नहीं खोज सकता था। कुछ ही देर में उसका पति अपनी कार लेकर वापस आ गया। वो बहुत सी टॉर्चें लाया था। उसने कुछ टॉर्चें बाल्टी में रखकर नीचे सुराख में भेज दी, पर इस बार जब उसने रस्सी ऊपर खींची उसने देखा कि बाल्टी में सिर्फ टूटी हुई टॉर्चें ही थी और सोने का टुकड़ा नहीं था। उसको बहुत गुस्सा आया और वह घर के अंदर अपनी बंदूक लेने चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा मैं नीचे सुराख में जा रहा हूँ। पत्नी ने उसको बहुत रोका, पर उसने अपनी कमर में रस्सी बांध ली और साथ में एक खाली ड्रम भी बांध लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो धीरे धीरे रस्सी को नीचे करे। उसने पत्नी से कहा मुझे 10 मिनट के बाद ऊपर खींच लेना। पति और वह ड्रम रस्सी से बंधे हुए नीचे सुराख में पहुंच गए। 10 मिनट के बाद पत्नी ने उस रस्सी को ऊपर खींचना शुरू कर दिया, लेकिन उसने देखा कि उसका पति तो रस्सी के सिरे से नहीं बंधा हुआ था पर ड्रम ऊपर आ गया था। उस ड्रम में बहुत सी सोने की ईंटें थी और साथ में एक कागज पर लिखा था मीट बहुत स्वादिष्ट था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।